नमस्कार, एसएन लाइव में आपका स्वागत है। सीवान विधानसभा चुनाव को पारदर्शिता एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी अधिकारियों को रोज नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रखंड मुख्यालय के मतदान केंद्र की दयनीय स्थिति देखकर यहां बुनियादी सुविधाएं की बात करना बेईमानी लग रही है। प्रखंड मुख्यालय स्थित पुरानी विद्यालय के कमरों में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र संख्या 222 एवं 223 पर प्रखंड कार्यालय व पिपरा गांव के मतदाता अपना मत इस बूथ पर डालते हैं। मतदान केंद्र संख्या 222 पर 897 मतदाता हैं, जबकि मतदान केंद्र संख्या 223 पर 821 मतदाता अपने मत का उपयोग करते हैं। इन मतदान केंद्र पर ना तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। आसपास चारों तरफ बड़े बड़े घास और गंदगी का अंबाड़ लगा हुआ है। भगवान की जर्जरता इस कदर बनी हुई है कि उसमें ठहराव करना मौत को आमंत्रित करने के बराबर है। रैंप, बिजली आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब मतदान केंद्र बनाया जाता है तो एक दिन पहले साफ सफाई कर टेंट लगा कर उस किस में किसी भी तरह कर्मियों द्वारा रात गुजार ली जाती है। इस संबंध में सेक्टर पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने जानने के लिए रिपोर्ट जिला को भेज दी गई है। इस केंद्र पर भी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। एसएन लाइव से आप ये खबरें सुन रहे थे। नमस्कार, एसएन लाइव में आपका स्वागत है। आपके जीवन से जुड़ी हो बातें या पॉलिटिक्स से जुड़ी हो खबरें या विधानसभा चुनाव की हो जानकारियां या फिर हर छोटे बड़े क्राइम आप तक पहुंचाने के लिए हर पल हर घड़ी आपके बीच एसएन लाइव मौजूद है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें एसएन लाइव।